आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है जिसको आप इलेक्ट्रॉन भी मान सकते हैं या प्रोटॉन मान सकते हैं ठीक है इज इंट्रोड्यूस्ड एट द ओरिजिन विद अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी वी वेक्टर तो आपने उसको वी वेक्टर की वेलोसिटी दे दी है ठीक है फील्ड ई एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट एवरीवे पास एक यूनिफॉर्म ई वेक्टर और बी वेक्टर बताया गया द दिलॉसटी वी ई एंड बी आर गिवेन इन द कॉलम्स द क्वान्टिटीज आर पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड देखो आपके पास जो ई e नॉट है बी नॉट है पॉजिटिव है ठीक है पहला कॉलम में आपको बताया उसने कि आपके पास जो है वो एक्स डायरेक्शन में है यानी कि ये एक्स एक्सिस में है ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस है ठीक है तो एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस में है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपका बी है वेक्टर है वो भी है एक्स एक्सिस में ठीक है ऐसा कुछ दिया गया है आपको तो ओवरऑल आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन ये है उसका कि इन विच केस विल द पार्टिकल मूव इन मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट विलोसिटी कॉन्स्टेंट विलोसिटी मूव करने का मतलब है कि पार्टिकल पर लगने वाला एफ नेट जीरो हो जाए तो एफ नेट जीरो हो जाए सिंपल सा कहने का मतलब उसका ये है तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा सेम मैग्नेटिक फोर्स लगने लगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है Q इंटू क्यू और ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये दोनों इक्वल हो जाए तभी ऐसा पॉसिबल होगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Vb के इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड में ये कनेक्शन होता है और दूसरा ये कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हों तो अपोजिट होने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर स्ट्रैक्शन फोर्स लगा रहे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रैक्शन लगाएं ओवरऑल कहने का सेंस यही है कि अपोजिट हो ठीक है <único Liberty Overwatch> तो पहले में देखो क्या है कि आपका ऑप्शन वन दिया है कि आपका पार्टिकल की लॉसिटी एक्स डायरेक्शन में और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में लग रही है और उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपका वो भी जेड डायरेक्शन में लग रही है तो देखो दोनों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में तो ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि तो जो एपनेट होता है किसी भी पार्टिकल पर वो होता है क्यू ई प्लस का क्यू इन टू वी क्रॉस भी ठीक है तो ओवरऑल क्या होगा कि ये टर्म तभी जीरो होगा जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों ठीक है और परपेंडिकुलर हों यहाँ से आप ई e वेक्टर निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस का वी क्रॉस भी ठीक है तो वी क्रॉस भी आने का मतलब ही यही है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे ठीक है यानी कि बी जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा कहने का सेंस ये यह तो यहाँ पर तो दोनों एक ही डायरेक्शन में तो पॉसिबल ही नहीं है ऑप्शन टू में देखो क्या है कि आपके पास प्रोटॉन है जिसकी वेलोसिटी जीरो है तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो किसी यू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का वर्ड ही खत्म हो गया क्योंकि जीरो वेलोसिटी से तो मूव नहीं कर रहा होगा ना तो ऑप्शन टू भी हमारा आंसर नहीं होगा ऑप्शन थ्री में दिया है कि आपके पास पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है और उस पर जो वेलोसिटी है उसकी नॉट बाई बी नॉट है और मुझे देखने में तो लग रहा है काफ़ी सही जा रहा है और उसके बाद उसने उसका थर्ड पार्ट लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और पार्टिकल जो इस डायरेक्शन में जा रहा है वाई एक्सिस में और एस यानी कि जेड डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सही है देखो ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपके पास मैग्नेटिक पार्टिकल की वेलोसिटी जब आप सॉल्व करोगे तो ये सही हो जाएगा क्योंकि तो आपका वी नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई बी नॉट भी क्लियर हो जाएगा और आपको डायरेक्शन जब मैनेज करोगे तो भी सेम आ रहा है ठीक है क्योंकि वी क्रॉस वी आपका है तो भी आपको क्या दिया गया है जे कैप और ये आपका है के कैप के तो जे कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा माइनस आई कैप तो ये आपका हो गया फर्स्ट का आंसर ऑप्शन थ्री सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कहा है उसने कि इन विच केस पार्टिकल विल डिस्क्राइब हेलिकल पावर पाथ विद एक्सिस पॉजिटिव जेड डायरेक्शन देखो सिंपल सा केस है कि पार्टिकल को जेड एक्सिस में जाना है ठीक है जेड डायरेक्शन में जाना है और एक हेलिकल पाथ बनाना है हेलिकल पाथ बनाने का सेंस देखो ये हुआ कि पार्टिकल पर जो पार्टिकल के पास जो विलासटी होगी वो जेड डायरेक्शन में जाने की होगी और जो वो सर्कल बना रहा होगा हेलिकल पाथ का वो भी जेड डायरेक्शन के लॉन्ग होगा यानी कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा ठीक है उसके पास एक इस डायरेक्शन होगी और एक सर्कल बना रहा होगा ठीक है यानी कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों लग रहे होंगे थेके? तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा यानी दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगने चाहिए ठीक है ये क्या समझ में आ गया तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि पहला ऑप्शन है आपके पास वन एस देखो फोर वन एस में क्या है तो पहला ऑप्शन है फोर वन एस देखो फोर्थ तो उसमें क्या होगा कि पार्टिकल का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में है। तो पार्टिकल पर जेड एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगेगा ठीक है तो क्योंकि पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है जेड एक्सिस में फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा जेड एक्सिस की तरफ तो इसका सीधा सा सेंस ये हो गया कि पार्टिकल हेलिकल पाथ तो नहीं परफॉर्म कर सकता तो ये तो गलत हो गया क्योंकि हेलिकल पाथ के लिए ये जरूरी है कि पार्टिकल का विलॉस्टी का था डायरेक्शन इधर हो और जो मैग्नेटिक फोर्स हो उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो या तो इस डायरेक्शन में ठीक है या फिर मतलब सीधा सी बात है परपेंडिकुलर हो जेड एक्सिस के सेंस ये कहने का ठीक है जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर का मतलब ऊपर नीचे जा रहा हो ठीक है और दूसरा ऑप्शन देखते हैं इसी तरह से दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है कि टू टू आर तो y एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा हो और x एक इस एक्सिस के लॉन्ग उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मीन्स ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए कनेक्शन से है इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग नहीं हुआ तो पार्टिकल में हेलिकल पाथ को नहीं मूव परफॉर्म कर पाएगा ठीक है जेड एक्सिस के लॉन्ग ऑप्शन थ्री में देखो थ्री थ्री पी तो जीरो पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है सही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी सही है और उसके अलावा क्या दिया है तो ओवरऑल सीन क्या होगा कि ऑप्शन फोर भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन फोर में क्या दिया है ये ऑप्शन थ्री ऑप्शन फोर दोनों में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है सबका एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जब जेड एक्सिस के लॉन्ग हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तभी वो जेड एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल हेलिकल पाथ में मोशन कर सकता है तो यानी कि यहाँ पर से ऑप्शन वन जो होगा ये करेक्ट हो सकता है ठीक है क्योंकि ऑप्शन वन में क्या है कि पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है जेड एक्सिस के लॉन्ग तो जब जेड एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो जब पार्टिकल धीरे धीरे क्या होगा कि जेड एक्सिस के लॉन्ग आने लगेगा और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स डायरेक्शन में है तो यानी कि अगर आप इसको माइनस एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं तो इसकी वजह से पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करने लगेगा तो ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर और इसमें देखो क्या दिया गया इन विच केस द पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन एलॉन्ग निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में मूव करने का सीधा सा सेंस है कि पार्टिकल पर एफ मैग्नेटिक जीरो होना चाहिए और एफ मैग्नेटिक जीरो होने का सेंस ये दो ही केसेस में पॉसिबल है या तो बी वेक्टर जीरो हो जाए या वी वेक्टर जीरो हो जाए या वी और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए ठीक है इन ये में से कोई भी केस होगा तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा तभी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है ठीक है तो अब इसमें से देखो आपके पास है तीसरा दूसरा पह तो तीसरा यानी कि विलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स व्यक्ट स्टार्टिंग में तो जीरो हो जाएगा फिर दूसरा यानी कि तीसरे के बाद क्या है दूसरा हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका माइनस एक्स एक्सिस में लग रहा है और आर और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो वाई डायरेक्शन में है तो देखो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है माइनस एक्स एक्सिस में तो पार्टिकल माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा और वाई एक्सिस में अगर आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड तो वो इसको हेलिकल पाथ में मूव करा देगा तो यानी कि पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव करेगा तो ऑप्शन वन विल नॉट बी योर आंसर ऑप्शन टू में है फोर टू एस तो देखो फोर टू एस में क्या है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसका मोशन है और और माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड एक्सिस के लॉन्ग उसका मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें वाई एक्सिस तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है ठीक है ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा मतलब तो ये केस तभी पॉसिबल है वाई एक्सिस के लॉन्ग वो तभी मूव करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग हो अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं हो रहा है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल जो होगा वो वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करने लगे मतलब वाई एक्सिस से मूव करना स्टार्ट करे और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें ठीक है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मूव करने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या करेगा वो तो उसको रोटेट करवाएगा ना उसका पर जो फोर्स लगेगा जो फोर्स लगेगा इसका क्यू वी बी वो क्या करना चाहेगा इसको वो फोर्स प्रोवाइड करेगा और उसको एक सर्कल में रोटेट करा देगा इसकी वैल्यू होगी क्यू वी बाई एम बी ठीक है इस रेडियस से उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट कराएगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दूसरे कैंसिल आउट कर देना चाहिए सीन ये बनना चाहिए तो तभी ऐसा पॉसिबल है यानी कि ई वाई डायरेक्शन में उसके पास फोर्स हो तो यानी कि सेकेंड उसका ऑप्शन में ज़रूर होना चाहिए तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन फोर में ही है अब ऑप्शन फोर में देखते हैं कि क्या कंडीशन ऑप्शन फोर में टू थ्री क्यू तो थ्री पार्ट क्या है कि माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसका मोशन है तो पार्टिकल क्या है कि मान लो ये एक एक्सिस एक्सीस के लॉन्ग मूव कर रहा है माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग उस पर फोर्स लग रहा है ठीक है वो वाई एक्सिस की लॉन्ग सॉरी मूव कर रहा है और माइनस एक्स एक्सिस एक्सीस के लॉन्ग उस पर फोर्स लग रहा है और तीसरा उसने क्या बताया है क्यू और क्यूब एक्स एक्सिस के लॉन्ग उस पर फोर्स लग रहा है ठीक है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो देखो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा ये आपका लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में यानी जेड में और एक सीधा लग रहा है इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है तो इन दैट केस इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा ऐसा ऑप्शन नहीं है जो डिस्क्राइब कर सके तो नो ऑप्शन कैन डिस्क्राइब ठीक है थैंक यू क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा होता आज डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर